हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आज मैं आपको अपनी कुछ रिपोर्ट शेयर करूंगी, क्योंकि मैं दूसरे गायनक के पास गई हूं तो उन्होंने मुझे एक जांच के लिए बोला था जो मैंने करा लिया है। वो मतलब कैंसर मेकर की जांच है जो कि मैंने करा लिया है, और इसका जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके पहले भी जब मैं दूसरे गायनक को दिखा रही थी तो उन्होंने भी मेरा CA125 का जो था वो टेस्ट करवाया था, तो उसकी भी रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अब मैं दूसरे गायनेक के पास दिखा रही हूँ तो उन्होंने भी मेरा ये वाला टेस्ट कराया है, कैंसर मेकर का, CEA बोलते हैं शायद से, उसका टेस्ट कराया है। तो क्योंकि मुझे ओवरी में सिस्ट है, इसलिए मैं जिस भी गायनेक के पास जाती हूँ तो वो पहले मुझे ये टेस्ट करने के लिए बोलती है। जबकि मैंने जिस गायनेक को अभी दिखा रही हूँ उनसे मैंने बोला था कि मेरा CA125 का टेस्ट हो चुका है, और मैंने उनको अपनी रिपोर्ट भी दिखा दी थी, बट उन्होंने फिर से मुझे ये दूसरा टेस्ट करवाने के लिए बोला था। क्योंकि जब भी सिस्ट की बात आती है तो डाउट पहले वहाँ जाता है कि हाँ कैंसर के में जाता है, भलाई हो ना हो, बट एक रहता है कि जांच करा के डॉक्टर भी अपने माइंड फ्री हो जाते हैं और पेशेंट भी माइंड फ्री हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारे आपको हर एक चीज़ अपडेट बताती रहूँगी कि मेरा भी कौन सी जाँच चल रही है, तो बने रहिए आप इस ब्लॉग में। तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट बताती हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये मेरी रिपोर्ट है, CEA की है। ये देखिए CEA की ये रिपोर्ट है मेरी, है ना। तो ये कैंसर मेकर की रिपोर्ट होती है। इसका जो रिज़ल्ट है मेरा नेगेटिव आया है, और इसे मैं आपको बैक कैमरा करके इस रिपोर्ट को मैं अभी आपको बताऊंगी। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट वैसे क्लियर दिख रही है, और बाकी मैं आपको बैक कैमरा करके भी ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 से 5 तक होती है, 0 से 5 के बीच में तक होती है इसकी नॉर्मल रेंज। अगर इस रेंज से किसी का ज़्यादा आता है तो उसे शिकायत होती है, क्योंकि इसलिए हाँ। और ये इसमें ऊपर वैल्यूज दी है कुछ, ये वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी की, जो कि टेस्ट होता है SCG जो होता है ना, वो वाला टेस्ट की रिपोर्ट है। बैक में मेरी वो रिपोर्ट भी है, उसका भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी। अभी मैं ये रिपोर्ट दिखा रही हूँ आपको। ये जो टेस्ट है मेरा, ये टेस्ट 800 में हुआ था, और ये जो टेस्ट है ये ब्लड के द्वारा ही होता है, ब्लड कलेक्शन के द्वारा ही, ब्लड का जो सैंपल हमसे लिया जाता उसके द्वारा ही ये टेस्ट होता है। तो अभी मैं आपको बैक कैमरा करके ये रिपोर्ट दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा रही हूँ। तो ये मेरी रिपोर्ट है, ये जो मेरी रिपोर्ट है ये CEA की रिपोर्ट है, देख सकते हैं आप, ये CEA की रिपोर्ट है, कैंसर मेकर रिपोर्ट है ये। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0 से 5 तक की होती है, और 1.43 मेरी जो रिज़ल्ट है वो है, मेरा रिज़ल्ट जो नेगेटिव है। अगर किसी की इससे ज़्यादा रेंज होती है तो वो रिज़ल्ट वहाँ पे पॉजिटिव आता है। और ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट है, डॉक्टर भी बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट है। अभी मैंने जो अपने डॉक्टर गायनेक को दिखा दी है, और इस चीज़ की जांच होती है, 3-4 टाइप के कैंसर की जांच के लिए इसकी रिपोर्ट किया जाता है CEA का, जैसे ब्रेस्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सब के जो कैंसर है इनकी, आप देख सकते हैं, इन सब की जांच के लिए जो रहता है CEA का टेस्ट करवाया जाता है। ये मेरी रिपोर्ट है, रिपोर्ट मेरी पूरी नेगेटिव आई है, भगवान का शुक्र है नेगेटिव है। क्योंकि जब भी हमें ओवरी में सिस्ट होती है तो डॉक्टर इन सब की जांच कराना डॉक्टर ज़रूरी समझते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला था इसकी जांच करानी पड़ेगी, तो मैंने करा लिया है। और ये मेरी रिपोर्ट आई है, इसकी जांच भी ब्लड सैंपल के द्वारा ही हुई है, तो देख सकते हैं आप मेरी रिपोर्ट। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा मेरी रिपोर्ट मैंने आपको जान दिखाई, तो आप बता सकते हैं मुझे कि मेरी वीडियोस कैसी लगी, और अभी आगे भी ट्रीटमेंट चलेगा तो मैं उसके बारे में आपको आगे भी बताती रहूँगी।
अभी तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल ही रहा है, मेडिसिन मैं खा ही रही हूँ। और आशा आयुर्वेद के बारे में तो मैं थोड़ा सा उसमें जानकारी कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं जाने को तो सोच ही रही हूँ कि मुझे हाँ एक बार ही तो दिखाना है। मतलब कि इतनी सारी दवाई खाने के बाद भी अगर मेरा अल्ट्रासाउंड होगा और उसमें अगर कुछ अच्छा नहीं निकला तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, कि इतना ट्रीटमेंट हम करवा रहे हैं उसके बाद भी कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। और तो मैं सोचूंगी आशा आयुर्वेद के बारे में भी, शायद सितंबर टाइम में जाऊँ, कंफर्म नहीं बता रही हूँ। फिर भी मैं थोड़ा सा अभी एक दो लोगों से मतलब पूछना चाहती हूँ कि जाने से पहले, क्योंकि हम कहीं पर भी अपना कुछ समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब चीज़ लगा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी होना भी ज़रूरी होता है ना, कि हम उस चीज़ की जानकारी पहले अच्छे से कलेक्ट कर लें। वैसे वीडियोज़ तो मैंने बहुत देखी और मुझे भी बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ शायद वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि अदर जो गायनिक है वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं लेते हैं, सीधे IVF का ही बोलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आ जाने के लिए, तो आगे की जितनी भी रिपोर्ट है उसके भी ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। तो आपको मेरे जो वीडियोस है वो कैसी लगी उसके बारे में आप मुझे बताइएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।